हमारे तमाम सहयोगी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। गौरव हमें ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि किस तरीके से आमने सामने पोस्टर्स लगाए जा चुके हैं। वहीं आनंद प्रकाश पांडे बता रहे हैं आज होने वाली तमाम बैठकों के बारे में और साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसमें आज क्या बड़े फैसले होंगे ये भी कुछ ही घंटे बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अब एक एफिडेविट, मराठी में लिखा ये एफिडेविट आपके सामने होगा क्योंकि शपथ पत्र में लिखा क्या है ये जानना और समझना बहुत जरूरी है और उसी आधार पर हमारे सहयोगियों से चर्चा करेंगे। इसे समझने के लिए आपको टीवी 9 संवाददाता राजीव सिंह की ये रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। ये एक एफिडेविट सामने आया है। जिले में किस तरीके से एनसीपी का पदाधिकार संभाल रहा हूं, शरद पवार के आदर्शों के प्रति वो निष्ठा है इसका जिक्र किया गया है, शरद पवार के नेतृत्व का समर्थन करते हैं ये इसमें मेंशन किया गया है। नहीं थकावट नहीं है, इरफान बचा उजली चमकदार, ऐसे दिन के पिंपल सिर धरते हैं तन्विशता असरदार, तन्विशता फैब्रिक्स। और महत्वपूर्ण ये है कि एनसीपी के संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं, शरद पवार के आदर्शों के प्रति उनकी निष्ठा है, ये उस एफिडेविट में लिखी गई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो कनेक्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये वो 100 रुपए की एफिडेविट की कॉपी है और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, यानी कि मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और इस संविधान पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं मराठी में लिखा हुआ, मैं आपको हिंदी में पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूं कि शरद जी पवार साहब जो हैं उनके आदर्श है और उन्हीं पर मैं निष्ठा करते हुए उनके बूते महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं और जयंत पाटिल साहब जो हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इस बीच हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। आनंद, यहां पर तो अब जिस तरीके से एनसीपी के दोनों गुट शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये हो चुका है कि विधायकों की राय क्या है, क्योंकि जो इमोशनल कनेक्ट यहां पर शरद पवार के साथ 83 साल का योद्धा कहते हुए साबित करने की कोशिश की जा रही है उसका क्या असर देख रहे हैं? बिल्कुल, शरद पवार गुट की तरफ से ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। कल शपथ का पत्र हो या फिर आज, जो तमाम पोस्टर्स मुंबई में शरद पवार के रेजिडेंस पे और वाईबी चौहान सेंटर पे जहाँ पे शरद पवार गुट की बैठक होने जा रही है वहाँ पे जो पोस्टर लगे हैं, अभी हम शरद पवार के घर पर हैं, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 83 साल का योद्धा अकेले निकल पड़ा है और ये इमोशनल अपील की गई है कि आप लोग आज की बैठक में आइए और शरद पवार का साथ दीजिए। और जो कल जो शपथ पत्र था उसमें भी लिखा गया था कि मैं शरद पवार के प्रति उनके आदर्शों और एनसीपी के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता हूँ। ऐसे शपथ पत्र सब नेताओं को दिए गए, विधायकों को दिए गए, सांसदों को दिए गए और वो जब वाईबी चौहान सेंटर पे आएंगे तो वहाँ पर उनको लेके आना होगा। अभी शरद पवार के घर पे कोई बड़ा नेता तो नहीं आया, कुछ कार्यकर्ता ही आए हैं। बिल्कुल आनंद, शक्ति प्रदर्शन तो किया जा रहा है लेकिन आज जो मीटिंग बुलाई गई है उस मीटिंग में कितने विधायक पहुंचते हैं इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा।